जरूरतमंदों को खाना खिला रहा है कैदी, हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, अच्छे व्यवहार के लिए मिली खुली जेल की छूट, दिन में बाहर रात में जेल में सोता है। खबर जानते हैं विस्तार से। दो लोगों की हत्या के मामले में उग्र कैद की सजा काट रहे सुभाष को अच्छे व्यवहार के कारण खुली जेल में रहने की छूट मिली है। सुभाष अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगा है, रोजाना बिजली घर चौराहे पर गरीबों को अपने हाथों से खाना खिलाता है। यही नहीं, वह लोगों को यह एहसास भी कराता है कि आदमी की एक गलती उसकी जिंदगी को कैद कर देती है। गलती के लिए अपराध की सजा जिंदगी भर काटनी पड़ती है। सुभाष को अपनी गलती का एहसास है, अब वह गरीबों को खाना खिलाकर खुशियां बांटने का प्रयास कर रहा है। अलवर के बांसूर के शाहपुरा के निवासी सुभाष का कहना है कि करीब 10 साल पहले पाली में ढाबे पर खाना खाते समय झगड़ा हो गया। इस झगड़े में हरियाणा के 2 लोगों की मौत हो गई थी। उनकी हत्या के मामले में वह 10 साल की सजा काट चुका है। जेल में रहते उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए प्रशासन ने खुली जेल में रहने की छूट दी है। मतलब दिन में अलवर शहर में रह सकते हैं, कुछ काम भी कर सकते हैं, लेकिन रात को वापस जेल में जाना पड़ता है। 2 महीने से खाना खिला रहा सुभाष पिछले 2 माह से अलवर शहर के बिजली घर चौराहे पर गरीबों को खाना खिलाने वाली संस्था के कामकाज में हाथ बटाता है। रोजाना शाम के समय यहाँ आने वाले गरीबों को खुद के हाथों से खाना देता है। यहाँ आने के बाद उसे अच्छा लगने लगा है। सुभाष कहता है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। जेल से बाहर आने के बाद यहाँ गरीबों को खाना खिलाने में सुखद अनुभव होता है। इस संस्था को चला रहे हिमांशु शर्मा का खूब सहयोग मिला है। बिजली घर चौराहे पर एनजीओ की ओर से 200 लोगों का खाने का इंतजाम होता है। 10 रुपये लेके भरपेट खाना देते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास 10 रुपये भी नहीं होते, उनको निःशुल्क खाना देते हैं। बहुत से लोगों के सहयोग से रोजाना खाने का इंतजाम होता है।